तो दोस्तों, नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने का अभियान शुरू हो गया है। इसके लिए हरियाणा के बल्लभगढ़ से लेकर जेवर तक 31 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया जाएगा। इस प्रस्तावित रूट का सर्वे हो चुका है और डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को सौंप दी गई है। जल्दी एजेंसी डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत करेगी। जानकारी के मुताबिक इस रूट के लिए जेवर के 4 गांवों की 132 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने अपर जिलाधिकारी एडीएम को भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। एनएचएआई ने आगे बढ़ने से पहले सर्वे में चिन्हित किए गए जेवर तहसील के 132 हेक्टेयर भूमि के नंबरों को सत्यापन के लिए भेजा है। बताते चले कि जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम एनएचएआई कर रही है। इसके तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इसके बीच की दूरी करीब 31 किलोमीटर है। इसमें 6 लेन हाईवे बनाया जाएगा। इसमें करीब 24 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में आएगा जबकि 7 किलोमीटर का हिस्सा गौतम बुद्ध नगर में आएगा। जल्द निर्माण कार्य शुरू कर पूरा कराने के लिए एनएचएआई ने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्वे और डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड ने जेवर क्षेत्र के 4 गांवों की 132 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है। हालांकि मसौदे की अधिसूचना जारी करने से पहले एनएचएआई ने जिला प्रशासन को जेवर तहसील के गांव फलेंदा बांगर, करोली बांगर, द्यांतपुर और वल्लभ नगर गांव की 132 हेक्टेयर जमीन के गाटा संख्याओं के सत्यापन और पुनरीक्षण का जिम्मा दिया है। बताते चले कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए जो हाईवे बनाई जाएगी उससे स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल जेवर से बल्लभगढ़ जाने के लिए स्थानीय लोगों को पलवल के रास्ते घूमकर जाना पड़ता है या फिर दिल्ली के रास्ते पहुंचते हैं, लेकिन इस नई सड़क से यातायात सुगम हो जाएगा और घंटों की दूरी मिनटों में हो जाएगी। साथ ही इस रूट पर भविष्य में औद्योगिक विकास की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।